बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे वो तमाम स्टूडेंट्स जो तकरीबन एक दो मंथ से कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके पूछ रहे थे, सर बीकॉम के बाद क्या हम घर बैठे प्राइवेटली कोई ना कोई डिग्री कर सकते हैं, ये जो मैंशन की जा रही हैं, यानी कि BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BBA, BCOM ऑनर, ये हम घर में बैठ के कर सकते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। डिटेल से वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, आपको ये बताया जाएगा आप कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये बताया जाएगा फी कितनी होगी। नंबर थ्री, आपको बताया जाएगा कौन कौन सी डिग्रीज ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये डिग्रीज करवा रही हैं। और लास्ट में आपको ये भी चीज़ बताई जाएगी कि हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं इन डिग्रीज को करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि हमारा बीकॉम हो जाएगा उसके बाद हम घर बैठे अगर कोई डिग्री कर लें तो वो ज्यादा हमारे लिए सूटेबल है, या वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने बीकॉम कर ली है और वो कह रहे हैं कि आगे कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज हमें वो डिग्री करवा दे ये तमाम डिग्रीज में से जो मेंशन की गई हैं आपको स्क्रीन पर, तो हम घर में बैठ के कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। चलें बात करते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये तमाम डिग्रीज करवाती हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर वन, तो लाहौर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि UET, UMT, UCP, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके अलावा फैसलाबाद में जिसी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, आपकी ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सरगोधा यूनिवर्सिटी, और कराची की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी और बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ चाहे गवर्नमेंट है कहीं चाहे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हर एक यूनिवर्सिटी में ये तमाम डिग्रीज करवाई जा रही हैं। BS की डिग्रीज इनको कहा जाता है, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BS कॉमर्स, BBA वगैरह। इनकी जो इनका जो सिनेरियो ये होता है कि वो तमाम स्टूडेंट जो इन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एडमिशन लेते हैं उनको बाकायदगी से हर रोज़ जाकर क्लासेस लेना पड़ती हैं। एक वीक के अंदर 5 डेज क्लासेस होती हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये तमाम जो डिग्रीज हैं ये 2 ईयर की डिग्रीज होती हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 मंथ के, 6 मंथ का आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे, तो ये डिग्रीज आपकी 2 साल की होगी। और आपको बीकॉम के बाद इन तमाम डिग्रीज के अंदर जो एडमिशन मिलेगा वो 5th सेमेस्टर में मिलेगा, चाहे आप BBA की बात करें तो BBA 5th सेमेस्टर में, BS कॉमर्स की बात करें तो BS कॉमर्स 5th सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिलेगा। टोटल सेमेस्टर्स 8 होते हैं इन तमाम डिग्रीज के, ठीक हो गया। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर सॉरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अगर स्टूडेंट करते हैं ये डिग्रीज़ तो उनका तकरीबन ख़र्चा जो है ना, एक्सपेंसेस जो हैं फ़ी के, वो 4 to 5 लाख के करीब आ जाते हैं पर सेमेस्टर, उनको 70-80,000 पे करना होता है तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट की बात कर लें प्राइवेट की बात कर लें। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन यह कि सर हम घर में बैठकर ये तमाम डिग्रीज कर सकते हैं घर में बैठ के प्राइवेटली। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, नंबर वन क्वेश्चन तो आपका ये माइंड में क्लियर हो गया कि हम बिल्कुल ये तमाम डिग्रीज घर में बैठ के कर सकते हैं प्राइवेटली। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं वो नहीं जाना मतलब जाना चाहती इतनी दूर या नहीं जा सकती लाहौर, फैसलाबाद या इन बड़े बड़े शहरों में नहीं वो जा सकते, तो वो तमाम सुन लें कि आप घर में बैठकर ये डिग्रीज कर सकते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो बॉयज़ हैं और जॉब्स वगैरह कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि नहीं घर में बैठ के कोई इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि हम साथ साथ जॉब करते रहें, क्योंकि यूनिवर्सिटी को रेगुलरली अटेंड नहीं कर सकते, तो इन डिग्रीज को कम्प्लीट कर लें घर में बैठ कर, तो वो भी कर सकते हैं। दोनों के हवाले से मैंने बात कर दी। अब वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये करवा रही हैं उस चीज़ को लास्ट में डिस्कस करते हैं, उससे पहले फ़ी के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रेगुलरली ये डिग्रीज़ करते हैं तो आपका कम से कम खर्चा 4 से 5 लाख आता है, लेकिन अगर आप प्राइवेटली ये तमाम डिग्रीज़ करते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो 1 लाख से 1.5 लाख के करीब आपका खर्चा आएगा, सिर्फ 1 लाख से 1.5 लाख, 4 सेमेस्टर्स आपके होंगे। अब एक सेमेस्टर आपको जो पड़ेगा वो 20,000 से 25,000 के करीब आपको एक सेमेस्टर की जो फी है वो सबमिट करवाना होगी, जस्ट इतने थोड़े से एक्सपेंसेस। जी बिल्कुल इतने थोड़े से एक्सपेंसेस होंगे, ये भी आपका बेनिफिट हो चुका है। अब एक चीज नेक्स्ट एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स वो जो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेजेस करके पूछ रहे थे, सारा एम कॉम क्या हम कर सकते हैं प्राइवेटली। पहले बात तो ये सुने कि एम कॉम बंद हो चुका है, एम कॉम करवाया ही नहीं जा रहा, रेगुलर भी आके किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें तो एम कॉम नहीं हो रहा, अब एम कॉम बंद कर दिया गया है, ठीक है। एम कॉम का मतलब होता था मास्टर लेवल की डिग्री, तो अब मास्टर लेवल 2 ईयर प्रोग्राम
नहीं करवाया जा रहा, तो एमकॉम की कोई डिग्री नहीं होगी। पहले आप स्टूडेंट्स इस बात को अपने माइंड में क्लैरिफाई कर लें, आपको यही डिग्रीज की करवाई जाएंगी जो आपको मेंशन की जा रही है या मैं जो बार बार बोल रहा हूँ। तो ये बात भी आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट, हम किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं, हम इस तरह मदद कर सकते हैं। देखो, अब आपको कहोगे सर जी अगर मैं घर में बैठ के बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में कर रहा हूँ, तो बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर 6 मंथ का कोर्स होगा, पहले 2 मंथ आपको असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवानी होगी। असाइनमेंट वगैरह जो है वो ऑनलाइन ही आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे आपके यूनिवर्सिटीज वगैरह आप वगैरह वाले। आपने क्या करना है, उनको लिख कर अपनी तमाम असाइनमेंट्स सेंड कर देनी है, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। मार्क्स भी वो आपको साथ साथ गाइड कर देते होते हैं। बाकी 4 मंथ आपके बचते हैं, 4 मंथ आपने अपने एग्जाम की टोटल प्रिपरेशन करनी होती है और फिर आपने अपने पेपर को दे देना होता है। और पेपर के लिए जो आपका सेंटर बनता है वो जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके करीब ही आपका सेंटर बना दिया जाता है, उसके करीब ही आपका सेंटर जो है वो बना दिया जाता है यूनिवर्सिटीज के थ्रू। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हम किस तरह उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो जो स्टूडेंट जो रेगुलरली जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको तो उनके टीचर्स वगैरह लेक्चर दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं हर चीज़, हम किस तरह ये करें चीज़, खुद से तो नहीं ना प्रिपरेशन कर सकते। तो उसके हवाले से हम आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप चाहे जिस मर्जी सेमेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर कट वे में समझाई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको पता ही है बीकॉम में भी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ बनी हुई है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, ये चीज़ हम आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं। ये घर में बैठ के आपको और क्या चाहिए, घर में बैठ के आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, घर में बैठ के आप अपना बीबीए या ये तमाम डिग्री में से कोई भी डिग्री कर रहे हो, तो आई थिंक सो कि ये चीज़ आपको, ये अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी चाहिए। नंबर नोट कर लें ताकि आपके पास मौजूद हो, कभी भी आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। 03017097404, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। हर एक सेमेस्टर की आपको दी जा सकती हैं ऑनलाइन क्लासेज। अब नेक्स्ट और लास्ट जो चीज़ थी हमारी, वो ये चीज़ थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सर ये डिग्रीज करवा रही हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी दो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, नंबर 1 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नंबर 2 वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आप अपने एडमिशन को सेंड कर सकते हो। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचेंगे नहीं सर ये डिग्रीज नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है, इनकी डिग्रीज बहुत लो लेवल की है, सर इनकी डिग्री बहुत लो लेवल की है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने जॉब के लिए जाना है, चाहे वो गर्ल है चाहे वो कोई बॉय है, तो आपको पता है आपकी वो डिग्री नहीं देखेगा, आपको वो ये नहीं कहेगा कि आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीबीए किया है या लम्स से आपने बीबीए किया है या पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने बीबीए किया है। उन्होंने जब आपका इंटरव्यू लेना है तो उन्होंने ये देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, यानी कि आपको कितना आता है, जो आपने सीखा हुआ है वो आपको कितना आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही हूँ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीबीए किया हुआ है, तो मैं जॉब के लिए गया, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो वो मुझे कहेंगे ये डिग्री को अपने पकड़ो, ये मार्क्स भी आपने बहुत अच्छे बेटा लिए हुए हैं, तो इन मार्क्स को भी अपने पास रखना, डिग्री को भी अपने पास रखो, जॉब नहीं आपको मिल सकती। क्योंकि कोई भी शख्स कभी किसी ऐसे बंदे को जॉब नहीं देता जिसको कुछ नहीं आता हो, कभी भी कोई शख्स सिखाने के पैसे नहीं देता। आपने उनको जो स्किल्स प्रोवाइड करनी होती हैं, जो उनका काम करके देना होता है, उसके बदले में उन्होंने आपको पैसे पे करने हैं। तो अगर आप इन डिग्रीज में, इन डिग्रीज को अल्लामा इकबाल या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड वगैरह कह रहे हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन ले लिया, तो इस बात को समझ लें कि वो आपको एक मिस गाइड कर रहे हैं। क्या हो रहा है, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। उनको सिंपल सा क्वेश्चन कहना, उनको कहना जॉब लेने के लिए डिग्रीज को नहीं देखा जाता, इंसान को कितनी चीज़ आती है इस चीज़ को देखा जाता है। एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ। तो ये दो यूनिवर्सिटीज आपको करवा रही हैं, इनके जो एडमिशन्स हैं सितंबर में ओपन हो रहे हैं, अभी 2024 ईयर की बात कर रहा हूँ, सितंबर में एडमिशन ओपन होंगे। आप ऑनलाइन एडमिशन को सेंड करें, अगर सेंड करवाना चाहते हैं ऑनलाइन एडमिशन, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नंबर दोबारा नोट कर दीजिएगा, 03017097404, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप सो मैंने आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको, आपके माइंड में क्वेश्चन है, आपको तंग कर रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया गया, आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।